आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक बिलारी स्थित करसारा गांव पड़ा। लगभग 5200 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में राजपाल इस गांव के प्रधान है जिन्होंने अपने गाँव में बेहतर तरीके से विकास कार्य कराए हैं। बात अगर गांव में आने वाले लाभों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा ग्रामीणों को सभी तरीके का लाभ मुहैया कराया जाता है। वहीं गांव में बात अगर शिक्षा की करी जाए तो इस गांव में जूनियर हाई स्कूल नदारद ही दिखाई दिया, लेकिन प्राइमरी पाठशालाओं में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए, जो शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में पानी की आपूर्ति कराने के लिए लगभग 50 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से 220 बिजली के पोल व 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए जा चुके हैं। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि उनके द्वारा वर्तमान समय में सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है। इसी के साथ गांव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। वहीं पात्रों को वितरण भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वे अपने गांव को शौचमुक्त बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार से और भी शौचालयों की मांग की है। साथ ही साथ गांव में उजाला लाने के लिए उन्होंने सोलर लाइटें भी लगवाई हैं और सोलर ऊर्जा प्लेटें भी उनके द्वारा लगवाई जा चुकी हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को आवासों का आवंटन भी प्रधान द्वारा किया जा चुका है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से वर्तमान प्रधान ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में शमशान घाट का निर्माण किया जाए। साथ ही साथ 350 मीटर रास्ता, स्वास्थ्य केंद्र, कन्या इंटर कॉलेज, बारात घर, सोलर पंप, पानी की टंकी आदि चीजों की व्यवस्था भी जल्द से जल्द दुरुस्त कराई जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी परेशानी से न जूझना पड़े। ग्राम प्रधान करसरा, मेरे गांव करसरा में एक सीसी टाइल मैंने डलवाया है, वो है सेठ सिंह घर से लवलेस के घर तक। फिर उसके बाद नरसरा गांव में मैंने एक पुलिया और एक खरंजा डलवाया बनवाया है, उसकी एक दीवार तालाब की दीवार बनवाई। उसके अब विकास कार्य चल रहा है, लेकिन अपूर्ण पैसा है, पूर्ण पैसा ना होने के कारण कुछ विकास धीमी गति से चल रहा है, सही है। और शौचालय हमारे गाँव को 300 करीब मिलने चाहिए, जिसमें से केवल 35 का पैसा मिला है। बाकी पैसा मिले तो हम पूरे शौचालय बनाया। स्वच्छ भारत जब भी बनेगा तो शौचालय पूर्ण हो। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिससे गाँव को आने जाने में दूर व्यवस्था पड़ती है। एक शिक्षा केंद्र में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की आवश्यकता है, जहाँ पर हमारे गाँव में जिला पंचायत स्कूल की जगह पड़ी हुई है 30 BA करीब। ये स्कूल अगर कन्या डिग्री कॉलेज स्कूल यहाँ हो जाए या इंटर हो जाए तो लड़कियों को दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत बढ़िया शिक्षा का विकास होगा। और एक बात ये हमारी है कि हमारे गांव में दो मौजा लगे हुए हैं, उनमें जो है शमशान घाट नहीं है। और शमशान घाट में अगर बारिश मौसम में अगर उसे हम दाह संस्कार करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न आती है, इसलिए नरसा नसीरपुर दो गाँव में हमारे कर्मशाला बनाने के लिए पैसा उपलब्ध है।